जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बड़ा दुख होता है इस होमगार्ड विभाग में कितना बड़ा दूसरा विभाग झूठा आरोप इनके पर, होमगार्ड महिला हो चाहे होमगार्ड पुरुष हो, इनके ऊपर कितना बड़ा आरोप झूठा मार दिया जाए और संज्ञान में आने के बाद हमारे अधिकारीगण कतई अपने जवान, महिला जवान या होमगार्ड पुरुष का किसी प्रकार का उस पर संज्ञान नहीं लेते हैं, बल्कि पुलिस यहीं पर छोटा अधिकारी अगर लिख के उच्च अधिकारी अपने भेज देता है होमगार्ड के खिलाफ, तो तत्काल उस पर संज्ञान लेते हुए उसको झूठे आरोपों में उसको उस महिला होमगार्ड जवान को, पुरुष जवान को, कोई भी हो, तुरंत मान करके उसको पनिशमेंट दिलवाने के लिए हमारे उच्च अधिकारियों को, कमांडेंट, मंडली कमांडेंट और बैठे मुख्यालय पर अधिकारियों को लेटर लिख दिए जाते हैं। खाली मौखिक लिख करके कानून तो ये कहता है कि जो लेटर जे चाहे महिला के खिलाफ हो चाहे होमगार्ड पुरुष के खिलाफ हो, पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए और जांच में दोषी नहीं पाया जा या दोषी पाया जाता है तब उसको पनिशमेंट जो भी सजा देनी है देना चाहिए। यदि वो एकदम निर्दोष निकलता है तो लेटर देने वाले अधिकारी के खिलाफ दंडमय कार्रवाई करने के लिए हमारे विभाग के अधिकारी उच्च अधिकारियों को उनके भेज देना चाहिए, पुलिस के उच्च अधिकारियों के लिए उनको पनिशमेंट। अगर इस तरीके से हमारे जवानों को सताया जाएगा, महिला पुरुषों को, तो फिर कैसे तालमेल बनेगा। यही कारण है कि अभी देखिए महिला होमगार्ड शारदा पाल मुजफ्फरनगर, उसके साथ कितना बड़ा अन्याय किया गया। एक तो पहले नरेंद्र कंपनी कमांडर, नरेंद्र खपरिया कंपनी कमांडर, मुकेश शर्मा एसईसी कंपनी कमांडर और ये मनीषा पीसी, तीनों मिलके उसको ब्लैकमेल कर रहे थे, उसके चरित्र पर गलत आरोप लगाए, उसके पर तमाम दबाव बनाए कि मैं कंपनी कमांडर हूँ, आपको जहाँ भेजा जाएगा कोई अधिकारी और यहाँ कहीं रात हो या दिन आपको जाना पड़ेगा आवास पे और वहाँ ड्यूटी जो भी वो लेंगे वो करना पड़ेगा। अब इसके पीछे आप सोचिए इनकी मंशा भापिए, क्या इनका कहने का मतलब है कि ये जहाँ सप्लाई करें वहाँ शारदा पाल को चले जाना चाहिए। लेकिन नहीं, कोई को पैसा प्यारा है, नौकरी प्यारी, कोई को अपनी इज्जत प्यारी है। ये दाग वो दाग है, अगर एक बार लग गया तो कभी थोड़ा ही नहीं छूटेगा। और पैसा और नौकरी फिर मिलेगा, गलत कोई करेगा तो गलत करने वाले का जरूर पनिशमेंट मिले, बाशर्ते उससे डट के लड़ाई लड़नी चाहिए। तो उसने साफ मना कर दिया कि हम ड्यूटी सुरक्षा व्यवस्था करेंगे, ना कि उनके घर की हम साफ सफाई करेंगे। हम वर्दी पे हैं,
हमें जो कार्य सौंपा गया हम उसी को करेंगे, उसके तहत हम आपकी बात नहीं। तमाम उसको भला बुरा चरित्र पर तमाम उसके आरोप लगाए तो उसने जब ज़्यादा परेशान कर दिया तो वो कमांडेंट को शिकायती पत्र दिया, सीओ मुजफ्फरनगर को दिया कोतवाली में, जिस पे बयान हुए जो वो जांच प्रचलन में है और पूरी तरीके से सब फंसेंगे उसमें। तो इसके महिला वहाँ लगी महिला थाने में, वहाँ पर एक लक्ष्मी होमगार्ड है, एक तो बराबर एक महिला जिसका नाम भूल रहा हूँ, लिहाजा वो पूरे उनके घर पे लगी हुई है निजी काम करवाने के लिए लगा रखा है। फरवरी मार्च बराबर चलती रही, अप्रैल में उसकी चली, मई में उसकी टांग उसका दूसरे थाने पर चली गई, उसको तस्करा डार महिला थाना अध्यक्ष निधि चौधरी जी उसका फिर रुकवा लिए वहीं। तो इनके लिए क्या अलग से कोई होमगार्ड बंधुआ मजदूर समझ लिया, इनके लिए शासनादेश अलग पड़ा है कि इनका घर का होमगार्ड काम करेगा? अरे अपना प्राइवेट अपना घर का काम नौकर रखें, ये इनके नौकर नहीं हैं, सरकार के नौकर हैं। सरकार सुरक्षा व्यवस्था है भेजती है, ये वर्दी पहना के मान और सम्मान मर्यादा के लिए है, ना कि इसको तौहीन करने के लिए भेजा गया है। और लक्ष्मी जी होमगार्ड भी उनके कहने में चलती हैं। वो देखिए महिला श्रीमान महिला थानाध्यक्ष का कार्यालय के बाहर यूनिफार्म वर्दी पर झाड़ू लगा रही, ये शोभा देता है, ये उनको अच्छा लगता है वर्दी पर। पूछा जाए थानाध्यक्ष से, जो वर्दी वो धारण किए वही वो पहने, वो तो वेतन पा के सरकार देती है, जो सरकार को खोखला कर रहे हैं और सरकार साथ नमक हरामी कर रही हैं, और हमारे जवान भत्ता पा के ईमानदारी से नौकरी करते हैं। लेकिन इनके खिलाफ अगर वो अपना जवान खोलें तो उनको तुरंत नोटिस मिल जाती, कारण बताओ। यही कारण है कि लक्ष्मी भी उनकी हाँ में हाँ करती है। अब आप सामने देख सकते हैं झाड़ू लगा रही हैं, और जो मनीषा पीसी कहेंगी और श्रीमान थानाध्यक्ष निधि चौधरी जी कहेंगी वही वो हमें हाँ मिलाएंगे। यही बात शारदा पाल से कही गई, आप 2 घंटा नौकरी कर लिया करें, 1.5 घंटा कर लिया, साफ सफाई करवा दिया करें यहाँ से लेके मेरे मकान तक, और आप चली जाया करें। उसने कहा ये नहीं करूँगी मैं सुरक्षा व्यवस्था ये वर्दी धारण वर्दी पर मैं नहीं कर सकती। तो उस पर आग बाबला हो गई कि तुम्हें डिपार्ट से निकलवा के हम रहेंगे। तो अब बताइए, उन्होंने झूठा आरोप लगा दिया समाज में, इनका जनता के बीच में व्यवहार ठीक नहीं, जनता के बीच में जाकर पैसा मांग करती हैं और यहाँ कर्मचारी अधिकारियों से बदतमीजी करते हैं। किसी से बदतमीजी ने झूठे आरोप, क्या ये जनता के बीच में जाती अकेले जाती है? और ही महिला और कांस्टेबल जाती होंगी जिनके साथ ड्यूटी लगती है, वो लगे हो उनका निकालने, अगर वो कह दें दोनों लेती हैं उसके खिलाफ झूठे आरोप लगा के। और पुलिस कप्तान मुजफ्फरनगर को इन्होंने लेटर लिख दिया, और वहाँ से मेरी ख्याल में है ये बात संज्ञान में कप्तान साहब की नहीं है, ये जो उनके स्टूडियो में बैठा ले जाते हैं पूरा काम, जो बहुत ऐसे कार्य हैं जो श्रीमान कप्तान साहब के नॉलेज में नहीं रहते हैं, और वो स्टूडियो उनका जो पूरा देख रेख करते हैं कप्तान साहब, जो लिखा पढ़ी फोन अटेंड करना
पूरा दे रखा है, वो बहुत कुछ पावर पा कर उल्टा करते हैं। उन्होंने अब है या नहीं, मेरे ख्याल से शायद कप्तान साहब की नॉलेज में नहीं ये प्रकरण होगा, लेकिन अब मैंने सब कुछ वायरल कर दिया, डाल दिया है, कप्तान साहब देख भी लिए, फिर इस पर जांच करा के, और जब तक जांच दौरान उसको ड्यूटी दी जाए, ये अधिकार इनका नहीं है, महिला थाना अध्यक्ष और ना कप्तान साहब का बनता है। कप्तान साहब का जब भी बनता है कि जब अगर दोषी पाते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, तब तो अच्छा, और अभी जांच नहीं और तुरंत उसको ड्यूटी से हटा के घर पे बैठा दिया गया। फिर दूसरा लेटर आ गया, मुजफ्फरनगर, पूरे मुजफ्फरनगर कहीं ड्यूटी ना दिया जाए, ये क्या इतना बड़ा सरकार इनको अधिकार दे दिया कप्तान साहब, और ये महिला थाना अध्यक्ष निधि जी चौधरी जी को, ये सरकार की प्रक्रिया है, ये जहाँ ये संपत्ति ना जिस थाने में है, जिस कार्यालय में अधिकारीगण हैं, वो उनका वो सरकारी कार्यालय, जहाँ जिसकी भेजा जाएगा वो वहाँ नौकरी करेगा अपना, चाहे पुलिस का हो चाहे होमगार्ड का है, ये अधिकार, ये कानून का उल्लंघन सीधा सीधा है, ये कानून का खिलवाड़ समझ लिए। तो अब इसको मैं अभी मैं भेजा हूँ, अभी कोरोना काल चल रहा, अब सोमवार को मैं मीडिया कर्मियों से अगर नहीं कार्रवाई होती है, कप्तान साहब करते हैं और उसके इन सब के खिलाफ खेवरिया कंपनी कमांडर मुकेश, मनीषा पीसी और ये लक्ष्मी जो झाड़ू लगा रही, तो सबसे बड़ा गलत हो जो झाड़ू वर्दी पर, ये पुलिस और वर्दीधारी सबकी एक बहुत बड़ी बेइज्जती है, एक बहुत बड़ा तमाचा है, जो जो बदमाशों के अपराधियों के हौसला बुलंद है, यही कारण है कि हाथ डालने पर वर्दी पर अपराधी हिचकते नहीं, यही कारण है। तो इसको तो नीचे लिए जा रहे हैं, इसकी मर्यादा गरिमा गिरा दी वर्दी की, तो ये जो वर्दी की गरिमा गिरा रखे हैं, इनके खिलाफ कप्तान साहब से मैं मांग करता हूँ, ये निष्पक्ष जांच करते हुए और दोषियों के खिलाफ जिन्होंने मनमानी किया है और पीड़िता को सताया है, उसको इतने दिन बैठाला है, उसका घर इसी पर डिपेंड, उसके बच्चे हैं, तो उसके साथ अन्याय है, ये अन्याय पूर्ण है। तो इसको श्रीमान कप्तान साहब को अपने संज्ञान में लेना चाहिए। और यहीं पर मैं अपने विभाग को भी भेजा हूँ, ये पुलिस के तो लोग अपना पक्ष करते हैं अपने जवान का, अधिकारी और कर्मचारी का, लेकिन हमारे अधिकारी नीचे से लेकर ऊपर तक होमगार्ड को पीड़ित करने के अलावा दूसरा काम, वो तो ताड़म रहते हैं, कहाँ से कमी मिले जो इनको लगा के इंजेक्शन खींच लिया जाए, उसका गरिमा तो ये अपने अपनी पद का, अपने कुर्सी का, अपने अधिकार का, ये पैसे के आगे ये अपनी कुर्सी और अपनी ताकत को भूल करके अपनी वर्दी का तार तार करवा रहे हैं और अपने होमगार्ड जवानों को मनोबल गिरा रहे हैं, गिराने का पूरी तरीके से कार्य करते हैं। ये एक विभाग वो है, एक विभाग ये है, क्या इनके पास कानून नहीं है, क्या इनको आगे अपने जवान के उसमें जांच बैठाल के और आगे अधिकारियों को, पुलिस जो पुलिस कर्मचारी अधिकारी हमारे जवानों के साथ गलत कर रहे हैं, तो उस बड़े अधिकारी को जैसे उत्तर प्रदेश DG साहब को इनको नहीं लिख के पत्र भेज देना चाहिए कि इसकी जांच होनी चाहिए, मेरे जवान साथ अन्याय होगा, तब तब जांच दौरान उसको बिठाया ना जाए, ये शासनाध्यक्ष भी है, उसका वो खुला खुल्लम खुल्ला उल्लंघन ये विभाग हमारा कर रहा, पुलिस का तो कर ही रहे, और ये अनुशासनहीनता दिखा करके और इनसे पुलिस काली सिविल से लेके ऊपर तक निजी अपना काम करवाते हैं और कुछ होमगार्ड इसमें ऐस गुलामी उनके अंदर भरी, जो अपनी वर्दी का तार तार किए घूम रहे हैं, उनको दो घंटा कर लें, पूरा दिन
वो अपने घर का जा काम करे। तो ये वर्दी से नहीं है, ताज से इनका स्नेह नहीं, इनको अपने काम से। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके तुरंत इनको डिपार्टमेंट चाहिए, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए, विभाग लायक नहीं है ये लोग। ऐसे गुलामी करने वाले, वर्दी पहन के गुलामी, झाड़ू, कपड़ा पोंछा, खाना बनाना और बासन मंजवाना, कुत्तों को टहलाना, उनके बच्चों को नहलाना, उनके कपड़ा धोना, प्रेस करवाना, सब्जी लाना, दुनिया कार्य करना गलत वर्दी पर, ये महा घोर, ये अनुशासनहीनता है। और ऐसे होमगार्ड चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको तत्काल विभाग में रहने योग्य नहीं, उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए चिन्हित करते हुए।